कलाकार हो और कलाकार के लिए कोई लहर की जरूरत नहीं है, उसकी जानकारी उसकी लहर है। अकेला कहाँ है वो, पूरी बिहार की जनता उनके साथ है और हमारे क्षेत्र के कलाकार हैं, बिहार के शेर हैं वो और बिहार के राजा हैं और वो जीतेंगे हमारी विश्वास है, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है उसी के पास पूरी साम्राज्य होती है। खेसारी जी का कैसा समर्थन है, खेसारी जी का कैसा समर्थन है पवन जी को? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा समर्थन जहाँ तक है, जहाँ कलाकारी की बात आती है और वो आदमी कहीं ना कहीं अपने भोजपुरी भाषा को बहुत बड़ा किया है, तो हमेशा उनके साथ हमारी संवेदना भी रहेगी, हमारी सहयोग भी रहेगा, हमारा हमेशा सम्मान भी उनके लिए रहेगा और सहयोग हर चीज रहेगा। बीजेपी ने उन्हें नकार दिया, पार्टी से निकाल दिया, इस पर कुछ कहिएगा? देखिए एक पुराने वर्कर को, काफी समय से वो जुड़े हुए थे बीजेपी से, एक कलाकार के लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखता है और किसी पार्टी के भरोसे कमजोर लोग आते हैं। हमारा बिहार का शेर आदमी है वो, अकेला ही राजा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ। रोड शो होगा, हेलीकॉप्टर शो होगा, दुनिया का जो भी शो होगा सारा हो जाएगा। भोजपुरी भाषा कभी बटा नहीं है, हम सब एक ही हैं। ये चुनाव के माहौल में कुछ लोग इसको बांट दे अलग विषय, बट भाषा कभी बटता नहीं है, बोलने वाले हम ही हैं, आप ही हैं। मगर मनोज तिवारी ने हलवा सभी लोग वहाँ पे मनोज तिवारी को अकेले छोड़कर रह गए और पवन सिंह जी को अकेले छोड़ दिया। अरे नहीं, पवन भैया अकेला कहाँ है, उनके पास पूरा साम्राज्य है, आज बिहार की जनता है, वो आदमी अकेला नहीं है और वो अकेला ही काफी है। अपने भाषा के लिए इतना कुछ काम उन्होंने किया। एक तरफ बड़े बड़े नेता हैं, एक तरफ आप लोग दोनों लड़ाई को। देखिए नेता में और बेटा में बड़ा फर्क होता है, पवन सिंह बिहार का बेटा है, कोई नेता बने अलग विषय है। बेटा जीतेगा? बिल्कुल जीतेना है हमको। जितना अमित शाह भी जा रहे हैं सभा करने, देखिए हमारे लिए सम्मानित है, सम्मानित है, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है, हम अपने हिसाब से जीवन को चलाएंगे। भारी पड़ेंगे पवन सिंह जी? देखिए कौन भारी पड़ेगा कौन कमजोर पड़ेगा ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। पवन सिंह को जीतना है ये मैं जानता हूँ। तेजस्वी यादव मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, क्या लगता है 24 में रंग बदल जाएगा? नीचे कर नहीं, नहीं बिल्कुल, देखिए बदलना चाहिए, बिहार की जनता को तय करना है। हम तो कलाकार है, हम तो संगीत के माध्यम से बातें कर सकते हैं और बिहार को बदलना है नहीं, ये तो नेताओं का काम होता है। मैं तो बस संगीत में बदल सकता हूँ, संगीत में अपनी चीज़ों को बड़ा, मेरी एक रंगदे बसंती सिनेमा आ रही है जो कि बहुत भव्य तरीके से, तो मैं जहाँ हूँ वहीं कोशिश करता हूँ। तेजस्वी का बदलाव का जो माहौल है वो काम आएगा बिहार में, आगे बदलाव दिखेगा? बिल्कुल, लोगों को अगर लगता है कि उन्होंने बदला है तो बदलना चाहिए। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, क्या खेसारी लाल भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे? मैं अपनी जिंदगी से खुद ही लड़ रहा हूँ अपने भाषा के लिए, काहे के हमको फंसा रहे हैं आप लोग इधर, जब सब लोग इधर ही आ जाएंगे तो भाई अपने भोजपुरी भाषा का भी तो कुछ गरिमा बचना चाहिए कि नहीं, तो मैं अपने भाषा के लिए काम कर रहा हूँ, बाकी हमारे भाई करी रहे। लव यू ऑल, थैंक यू।